ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। कोलकाता उमंगों खुशियों का शहर। यहां जो लोग रोजी रोटी की तलाश में आते हैं उनके लिए ये आरजुओं ख्वाबों का शहर। अगर गरीबी बेबसी यहां तो कामयाबी की बुलंदी भी यहां। यहां प्यार मोहब्बत का संगीत मचलता है तो नफरत दुश्मनी भी यहां डंक मारती है। सबको पनाह देने वाला ये शहर अगर मां का आंचल है तो ये शहर करबला भी है, कुरुक्षेत्र भी है। जुल्म के खिलाफ जंग करो, ये वो आवाज है जो इनकलाब बनकर हमेशा जिंदा रहेगी और वो आवाज इनकी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये शहीदों के जगमग करते इरादों का शहर है। रात के साए में ये शहर कभी ख्वाबों की तरह खूबसूरत हो जाता है तो कभी मौत की तरह खौफनाक। बहुत जख्मी है, इसे अस्पताल ले चलते हैं। अब से ये इलाका पगला चांद का है। आज के बाद यहां कोई फुटबॉल नहीं खेलेगा और अगर किसी ने खेलने की कोशिश की तो फाड़ के सीधा कर देगा। हमारा नाम फटाकेश तो है। समझ गए का बोला? नहीं समझोगे तो अपने ही जान का नुकसान करोगे। अरे बस 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 अपनी अपनी बस एक अपनी बस बस Thank you.
बगला जान बनना चाहता हूँ। मैं लूंगा और ये चेन मेरी। समझ गया वो कौन है। वो मौत जो पागलों की तरह सड़कों से गुजरती है, जिसका आतंक इतना है कि गवाह गूंगे और सबूत अंधे हो जाते हैं, उसका नाम है पगला जान। डीएसपी यशवंत, ये डीएसपी यशवंत की बीवी है। अरे छोड़ दो मेरी बेटी को। पकड़ा जाओ। छोड़ दे मेरी बेटी को। कमिश्नर साहब, पगला जान मेरी बेटी को उठा के ले गया। कौन है आप? कौन हूं मैं?
आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि पगला जान कौन है, इसका मतलब आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो खुलेआम आजाद घूम रहा है। ये तलवार मेरी महबूबा है, जो डीएसपी के खून से लाल होकर सुहागिन बनना चाहती है। बोल कहाँ है डीएसपी? Thank you.
नहीं, नहीं, नहीं। ना मुझे अरे अरे नहीं नहीं दादाजी ठीक है दादाजी चलिए ससुरी बहुत गर्मी है अरे बबुआ हम तुमसे कह रहे हैं हमको दे दो अरे लाओ कुछ नहीं हुआ दादाजी कहाँ है सब ठीक है आप चलिए तुम्हारे दादा हैं दादागिरी तुम हमको दिखा दो किधर जाना है अरे नहीं भाई शाम बाजार बड़ा बाजार धर्म तल्ला किधर आवा नीचे बैठा आवा आवा ला सामान दो अरे सामान दो चिंता की कौन बात नहीं हम भी गंगा किनारे के रहने वाले हैं गंगा किनारे के हो आओ देवा इसी पर चलते नहीं आओ अरे का हो पहलवान चाचा मुर्गा फंसा लिए ना तेरे क्यों पटने लगी रे कल्लू हाँ किसी का सुख नहीं देख सकत हो तो अपनी आंखें फोड़ दो और बैठ जाओ यहाँ भीख मांगने के लिए साले कमीने सब हमारे दोस्त बिरादर है दादाजी लेकिन कहा है कि जब तक हमारे मुंह से दो चार गाली नहीं सुन लेते ना इनको खाना नहीं बचता बैठा ये बबुआ इका टैक्सी को टुकड़ टुकड़ देखा था हम कह रहे हैं हमारे रिक्शा से टैक्सी महंगी पड़ी देख बबुआ आज की दुनिया में भी पेट्रोल और डीजल से इंसान का खून सस्ता है चला चला आवा चला जरा इससे चलिए दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है अच्छा तो दादाजी के इलाज के लिए कलकत्ता आए हैं अरे ये तो बहुत ही बड़ा पुल है अरे कब तक भागते रहोगे ऊपर आ जाओ हम कह रहे हैं हाँ हम बता रहे हैं बबुआ डर से रिक्शा में नहीं बैठे कि हम इन्हें गिरा पड़ा ना दे ए बबुआ हम पहली बार जब इस शहर में आए थे ना तो तंदुरुस्त थे हट्टे कट्टे इसलिए लोग हमारा नाम पहलवान रख दिए पहलवान पर एक काली सड़क है ना इन आगे रह ससुरी चूस चूस के हमरा खून हमरी हालत कर दी इसने लेकिन अभी भी शरीर में बहुत दम है आजाद नगर जाना है ना बहुत दूर है चल बैठ जा बैठ जाओ हमको भी अच्छा नहीं, नहीं, नहीं दादाजी ठीक है और देखा 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 ये लड़की पुलवा पर अकेली खड़ी है भाई ये इलाका इतना डेंजर है कि यहाँ दिन दहाड़े सब कुछ हो जाता है ये तो रात का मामला है शरीफ घर आने की लगती है दादाजी से बिठा ले हाँ हाँ बैठा लो आवा आवा बैठा इन्हें नहीं लेके जाओगे ई अरे भाई ई गौतम बुद्ध के नए अवतार हैं इंसान की सवारी करने को इनका जी नहीं करता आवा आवा तुम बैठा आवा हाँ आवा हेलो ये क्या है गमछा और क्या लेकिन किस लिए पहलवान जब भगवान किसी को धन दौलत देता है तो उसे छुपा के रखना चाहिए कि नहीं बिल्कुल रखना चाहिए अरे इसीलिए तो ट्रेन और बस में लिखा होता है ना अपने अपने माल की स्वयं रक्षा कीजिए पहलवान तुम्हारे कलकत्ता के लोग बहुत समझदार हैं वो तो है ही दादाजी अरे रुकिए रुकिए मुझे यही उतरना है ओ ओ इलो कमचा ले ले उससे ये लीजिए अरे जब सांप घुस गया बिल में तो अब लाठी पटकने से का फायदा आजा
आजा आजा, चल चला बैठ, चल पलवान, चला चला चला। ओ अरे दादाजी आप, अरे गणेश, अरे गणेश उठ उठ, दादाजी आए, दादाजी, दादा कौन दादाजी, अरे अपने दादाजी, अरे उठ उठ, सोने दे यार, अब रात को, अरे दादाजी आए, उठ उठ, अरे कसमा देख देख, दादाजी आए, पाए लागू दादाजी। अरे तेरी माँ ने तेरे लिए लड़की देख ली है, बीए पास है, जीता रहे, पाए लागू दादाजी। अरे तेरी भैंस ने 6 दिन हुए बच्चा दिया, पाए लागू दादाजी। अबे तू अपनी लुगाई को खत क्यों नहीं लिखता, लिखना। ये कौन है? कासिम दादाजी, अपना कसमा दादाजी। हुआ क्या इससे? मैं बताता हूँ दादाजी, बहरा गुंगा तो है, इसने कुछ सुना नहीं, सामने से गाड़ी आ रही थी दादाजी, इसने देखा तक नहीं, उसी ने टक्कर मार दी। मैं सही बता रहा हूँ दादाजी। तो उस गाड़ी वाले को पकड़ा क्यों नहीं? अरे देवा भैया, आप भी, अरे देवा भैया, देवा भैया के लाइए लाइए, देवा भैया, अरे देवा भैया, अरे देवा भैया, मुझे दीजिए, अरे इसे भी कुछ उठाने के लिए दो, लो 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 लो, धन्यवाद धन्यवाद, तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। चलिए दादाजी चलिए। हाँ तो पहलवान जी, किराया कितना हुआ? तुम रिक्शे पर बैठे नहीं, उस वक्त तो हमने ये बात हसीमा उड़ा दी कि तुम डर के मारे नहीं बैठे। असल बात हम जानते हैं, तुमको हम पे दया आ गई थी इसलिए नहीं बैठे ना। बबुआ, हमारा कोई बेटा होता ना, होता है नहीं, होता ना, तो वो भी हम तुम्हारी तरह हमें इंसान समझता, घोड़ा या कोई कोई जानवर नहीं समझता। अब तुमसे किराया का लें, तुम गांव से आए हो ना, चने का सत्वा तो लाए होगे। हाँ? लाओ भैया बस थोड़ा हमें से दे दो, बहुत दिन हुए खाए हुए, लाओ भैया चने का सत्वा। हाँ? ही दे दो। बिल्कुल। पारा हिल छपरा हिल कलकत्ता हिल ला। अबे इसमें किरासन तेल तो है ही नहीं, धपा धप दिए जा रहा है, अक्ल तो है नहीं। अबे तेरे पास बहुत अक्ल है ना, तो ले बना, ले चाय बनाएगा। अबे जब बीए पास बीबी आएगी ना तो उसको तुझे ही चाय बना के पिलाना है, अभी से आदर डाल ले। मुझे क्या गणेश समझा है? ए, मुझ पे झूठा इल्जाम मत थोप, मैंने कभी अपनी बीवी के लिए चाय नहीं बनाई। हाँ खाना जरूर कभी कभी बनाया है। ठीक है, हंस लो बेटा। ये लीजिए सत्तू, सत्तू देके आंख तरस गई बबुआ। ये तो हम कह रहे हैं गांव का हो पहलवान चाचा। हाँ? नया सामी देख के सब माल अंदर समेट लिए। बंदर कहाँ जाने अदरक का स्वाद। अरे चल निकल ले, बचर बचर किए जा रहा फालतू में। बबुआ इसका शाम का नाश्ता तो हो गया, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अरे अरे नहीं, हम ये नहीं ले सकते। हाँ जी बबुआ, बहस मत कर, हम आपको दोनों लेना पड़ेगा। नहीं बबुआ हम, लगता है तू इस शहर में हमको रुलाने के वास्ते आया है। भगवान करे तुहार दादाजी को कुछ ना हो। मैंने सारी एक्सरे रिपोर्ट्स देखी है, लेकिन अभी मैं आपकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। तो हम क्या करें? इसके लिए इनकी सारी टेस्ट फिर से करानी पड़ेगी। ठंडे पानी से एक आदमी भाड़ा देगा और चार चार आदमी नहाने को आ जाएगा। लड़की लोग को देख के नहाते जाएगा, बदन दिखाते जाएगा, नहाते जाएगा, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बहुत पटेगा। अरे दादाजी, दादाजी कमरे में धूल मिट्टी बहुत थी, लेकिन हमने उसे एकदम चकाचक कर दिया है। हाँ दादाजी, आपका नया घर हमने एकदम साफ कर दिया। आइए देवा भैया। कहाँ गर्मी है। अरे नानी याद आ गई। दादाजी मैं रखता हूँ। अरे काहे के लिए? अरे दादाजी यहाँ पर तो बिजली भी नहीं है। क्या? अरे ले ओ। आ, 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 आ,
अरे ये कौन रो रही है गर्मी में? पूरे बाबा हमी की बोलबो, जब से उसका बेटी मरा है पागल हो गया, गाता रहता है। हम लोग भी पागल हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेगा? हम अगर कुछ बोलेगा तो बहुत पटेगा। हम बूझ गया, आपको हमारा गान पसंद नहीं आया ना, इसलिए आप यहाँ पे हमको मना करने के लिए आए ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो ये कहने आए हैं कि हमको आपका गान बहुत अच्छा लगा। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप ऐसे ही जमकर गाते रहिए, अपने देश की चीज है शुद्ध, हम नहीं गाएंगे तो और कौन गाएगा? आप धन्य है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चाय खाबिन ना, अभी तो हम आकर हाथ मुंह भी नहीं धोए। जीते रहो। दादाजी कितना अच्छा होता अगर आप हमारे साथ रहते, आप वो जगह छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? कितना अच्छा होता तुम अगर गांव में एक साथ रहते, गांव छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? है कोई इस बात का जवाब? ए देवा गमछा दे। अच्छा। अरे गमछा को धोया? नहीं दादाजी, वक्त ही नहीं मिला। दादाजी ये लीजिए गमछा। अरे देवा भैया लाइए मुझे दीजिए, मैं तो साफ कर दूंगा। भैया ये क्या धोएगा? अबे अपना कपड़ा तो 7 दिन तक नहीं धोता। अरे यार देवा भैया का कपड़ा धोना। अरे यार तुम लोग इतना झगड़ा क्यों करते हो? देवा भैया हमेशा बकवास करता है ये। अरे मुझे तो ये धोना ही नहीं है। क्यों देवा भैया? इसमें किसी के बदन की खुशबू बसी हुई है। लगता है देवा भैया शहर में आते ही पागल हो गए। सही बोलता है, सही बोला। चलो अरे देखें तो खुशबू कैसी है। गणेश तू तो बहुत अच्छा लगा। अरे तकदीर वाले तो ये हैं। कैसे? देखा नहीं कैसे वो लड़की यहाँ आते ही फटाफट मिल गई। हाँ यार भाई साहब को 2 दिन तो हुए जुम्मा जुम्मा कोलकाता आए और लड़की पटा ली। हाँ? अबे ये तो गए काम से। चाचा रुके। अरे हंसो मत यार। अरे आप यहाँ? वो हम लोग ऐसे घूमने आ गए थे। हाँ, घूमने बस घूम। प्लीज डोंट फील बैड, यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है। ओए खोदे ना पुत्र। प्लीज डोंट फील बैड, यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या अच्छे के लिए होता है? नहीं ये लीजिए गमछा। ओ मैम साहब जल्दी चलिए। ओके बाय। दो बार गमछा दिया, एक बार दिल तो दे। अरे खाइए मेरा झालमुरी। हाँ बहुत बढ़िया झालमुरी है भाई। अरे खाइए ना, खाइए खाइए, खा के तो देखिए कैसा बनाया। अरे खाइए खाइए मेरा झालमुरी। अरे मेरा गमछो कहाँ गई? अरे गमछो कौन लेके भाग? अरे ये देख, अरे हाथ मत लगाइए। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ मैम साहब। ये मैम साहब वो दे दीजिए ना। वो क्या मजाक काहे कर दिया मैम साहब, मेरा गमछा दे दीजिए ना मैम साहब। तुम्हारा कौन सा गमछा? अरे ही आपके हाथ में जो है। तुम्हारा नहीं मेरा है। अरे आए, अरे मैम साहब ये गमछा आपका कैसे हो सकता है? कहाँ ये अंग्रेजी पहनुआ और कहाँ ये मेरा देहाती गमछा? एक पूरब तो एक पश्चिम, दोनों में कहीं संगम नहीं हो सकता। देखिए मैम साहब सुनिए, ये मेरा धंधुआ का टाइम है, मेहरबानी करके गमछा दे दीजिए। मैंने बोला नहीं गमछा तुम्हारा नहीं है। मैम साहब सुनिए ना। अरे मैम साहब
गमछा तो गए, अब मैं कहा करे? तो लुंगी फाड़ के गमछा बना ले। हाँ वो तो मैं पहनू का, तू और भजाई का साड़ी। पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया, मैं कहा करू राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, हाय राम बुड्ढा मिल गया, हाय राम बुड्ढा मिल गया। हे वो देख पूजा। हाय पूजा, तुम तो शाम को आने वाली थी, फिर इतने जल्दी कैसे आ गए? वो सब इस गमछे की वजह से। हेलो, किस ड्रेस डिजाइनर ने बताया है कि ये वेस्टर्न ड्रेस के साथ ये लाल गमछा डाल के घूमो? अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखे तो सही, ऐसी क्या खास बात है इस गमछे में? ई मिट्टी है। तुम्हें क्या पता इसमें क्या क्या है? ये तो पागल हो गई है। पागल नहीं, दीवाना। ना जाने क्या जादू किया तूने, दिल दीवाना हो गया। आजाब तो आजाब तो आजाब तो आजा मेरी जान, ये जो प्यारी सी तड़प है यही प्यार है। अनजाना जो मेरे प्यार से मेरा यार है। ना जाने क्या जादू किया तूने, दिल दीवाना हो गया। आजा तो आजा तो आजा तो आजा मेरी जान। प्यार का मैं गाऊं तराना, तुझे तो पुकारूं मैं दीवाना। दिल की सदा है आशिकाना, ये जो मेरे दिल की सदा है यही प्यार है। अनजाना मेरा यार है। ना जाने क्या जादू किया तूने, दिल दीवाना हो गया। आजा तो आजा तो आजा तो आजा मेरी जान। तुझे सौंप दूं जिंदगी मैं, तुझ पे लुटा दूं हर खुशी मैं, ओ, 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 तेरी ही करूं बंदगी मैं। ये जो मेरे दिल में वफा है यही प्यार है। आजा तो आजा मेरी जान।
ना जाने क्या, ना जाने क्या, ना जाने क्या। ये जगह हम सबको बहुत पसंद है यार, यहाँ घर बिल्कुल खुला खुला लगता है, बिल्कुल अपने गांव के जैसा यार। हाँ यार, इसलिए तो यहाँ छुट्टी के दिन आ जाते हैं। कैसी लगी ये जगह? जगह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। जय हिंद। अरे ये तो वही गमछे वाली है। थैंक यू सुभाजी, थैंक यू। अरे वो गमछे वाली इधर भी आ गई। किधर? अरे वो देखो उधर। आइए बाबू, झाल मुड़ी खाइए। मैम साहब खट्टा मीठा। अरे ठहरिए तो मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, वो दे दीजिए ना। वो क्या? अरे वही। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो आपने उस दिन ले लिया था ना, वो मेरा मेरा गमछुआ। ओ गॉड। अरे मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मेहरबानी करके दे दीजिए ना। मैंने कहा ना वो गमछा तुम्हारा नहीं था। तो वो आप कभी नहीं था मैडम, खाइए भगवान की कसम, वो आपका था। खाइए कसम खाइए। वो मेरा नहीं था। ये तो हम जानते थे। लेकिन वो तुम्हारा भी नहीं था। तो फिर किसका था? अब इसे कैसे समझाऊं कि किसका था? वो उसका था। हा? उसका गमछा, समझे? मैम साहब सुनी, अरे मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब सुनिए तो। अरे ठहरिए बाबू, ठहरिए। इसने कल तुम्हारा गमछा मेरे पास देख लिया। हा? बस तब से समझ रहा कि वो गमछा उसका है। वो गमछा तो मेरा है बाबू। भाई साहब, वो गमछा मेरा है। हम आपकी बात कैसे मान ले? वो गमछुआ हूँ बहु, मेरा गमछुआ जैसा था। सुनिए सुनिए सुनिए, तुम्हारे गमछे जैसा हूँ बहु लाखों गमछे हैं दुनिया में, क्या वो सब तुम्हारे हो गए क्या? एक बात बताइए, अगर तुम्हारी जोरू को। जोरू तक मत जाइए बाबू। अरे सुनिए सुनिए भाई साहब, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। तब तो ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारी जोरू को कोई भगा ले जाए तो दुनिया में जितनी औरतों को देखोगे उनको अपनी बीवी समझने लगोगे क्या? ओ भाई साहब, ऐसा मत समझना, वरना किसी दिन बहुत पिटाई खाओगे, पिटाई। हाँ ये तो सच बात है, गमछुआ तो गईल। छोड़िए वो बात, कम से कम गमछुआ तो खाइए, झाल मुड़ी तो खाइए। हाँ हाँ भेज दो। अरे सुनिए एक बात कहूँ, तुम दौड़ने में बहुत आगे जा सकते हो। उस दिन जब तुम रिक्शे के साथ दौड़ रहे थे ना, तब मैंने ये चीज़ गौर किया। दौड़ती तो मैं भी हूँ एकदम तेज, लेकिन मुझे छोटी रेस पसंद है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर। मान लो अगर मैं और तुम साथ साथ दौड़े तो क्या होगा? क्या होगा? मैं तुमसे एकदम आगे निकल जाऊंगी एकदम तेज, लेकिन बाद में तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। क्या कोई ऐसी कोई दौड़ नहीं है जिसे हम दोनों साथ साथ दौड़ सकते हैं? है क्यों नहीं, प्यार में हम साथ साथ दौड़ सकते हैं, लेकिन अभी इतना ऊंचा सपना देखने की जरूरत नहीं। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ पसंद करती हूँ। I like you, you know? प्यार होता है कि नहीं बाद में देखेंगे। क्या हुआ? देखा। रुको। ये लो। खाओ ना। अभी तुम्हारा चांस बहुत बढ़िया, पता है? किस बात का? प्यार का। घोड़ी है मैंने देखी, मिर्ची के जैसी तीखी। हाँ, एक घोड़ी है मैंने देखी, मिर्ची के जैसी तीखी। मैंने ऐसा गाना डाला, उसे दीवाना कर डाला। आंखों के जादू से, मीठी मीठी बातों से पटा लिया।
दिया मैंने उसको। पापा जी तू सिगरेट हो, पापा जी तू सिगरेट हो, पापा जी तू सिगरेट हो। एक कुड़ी है मैंने देखी, मिर्ची के जैसी तीखी, मैंने ऐसा दाना डाला उस दीवाना कर डाला। आंखों के जादू से मीठी मीठी बातों से पटा लिया मैंने उसको। पापा जी तू सिगरेट हो, पापा जी तू सिगरेट हो, पापा जी तू सिगरेट हो। पूजा, तुम्हारे लिए टेलीग्राम आया है, पढ़ो ना क्या लिखा है। क्या हुआ, क्या लिखा है? क्या हुआ पूजा? पिताजी, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। ओह माय गॉड, मुझे फौरन दुर्गापुर पहुंचना पड़ेगा। कौन?
तम क्रोध मन मोह मिटे मन वाला इन मान थे होन वाला यो इन मान उन मोर आई राम मान इन आई जो राम अच्छा काम कर रहे हो आ? मैंने कहा अच्छा काम कर रहे हो आ, ए, ए, आ, आ, आ। कस्मा एक बात बता तू काम काम क्या करता है अच्छा 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 दर्जी है दर्जी पर पांच छह दिन से तू काम पर गया नहीं मेरी सेवा करना चाहता है बेटे पर काम पर जाना जरूरी है ना वरना खाएगा कहां से ये काम अच्छा नहीं लगता अरे तो फिर तू क्या क्या काम करेगा तू क्या करेगा अरे कहां मैं कहां अरे कहां ले जा रहा है या 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 आ ए ए आ आ या वा वा मस्जिद ए ए ए ए आ आ आ या आ आ या आ आ आ आ ए आ ए आ ए आ या ए एक आदमी अजान देता है और बहुत से लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ए आ या आ मुंह में जबान नहीं और सपना है आजान देने का भगवान भी क्या उल्टे सपने दिखाता है अरे नहीं तेरा सपना तेरा इरादा बहुत अच्छा है भगवान जरूर तुझे कामयाबी देगा सिस्टर सुनिए हेलो हाय दादाजी की सारी रिपोर्ट्स तो आ गई होंगी क्या आप मुझे बता सकती हैं दादाजी को क्या बीमारी है हाँ लेकिन वो डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे मिस्टर देवा आपके दादाजी को कैंसर है दादाजी चिंता की कोई बात नहीं दादाजी आपको कुछ नहीं होगा हाँ दादाजी आपको कुछ नहीं होगा आप पहले के जैसे मुस्कुराते रहेंगे हंसते रहेंगे दादाजी 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 आप कुछ बोलते क्यों नहीं दादाजी दादाजी हाँ दादाजी कहिए बोलिए दादाजी बोलिए अपनी माँ और गंगा को गांव से बुला ले दादाजी ने कहा है कि आप लोग खाना खा लें बबुआ तुम लोग अपने अपने घर जाओ चलो उठो उठो चलो <उठा। laughs>
दादाजी इंतजार कर रहे होंगे, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। चलो। अरे सुनो, कहाँ जा रही तुम? अरे रास्ता क्रॉस करना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना, क्या कर रहे हो भैया? चलो, कैसे जाओगे तुम? गंगा, मेरा हाथ पकड़ के चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अबे ताला, इनको एक तरफ हटाना। अबे तो सलाह दिख रहा है, जरा उतर तो। अबे छोड़ अभी, पगला जान का काम अभी ज्यादा जरूरी है। अरे इसको तो बाद में कभी देख लेंगे, बहुत नाटक हो गया, चल। देवा, तुम्हें क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? क्या जरूरत थी? पर माँ, उसने मुझे। देखो देवा, ये तुम्हारा गाँव नहीं, परदेश है, और यहाँ पर हम तुम्हारे दादाजी की बीमारी का इलाज कराने आए हैं, किसी से झगड़ा करना नहीं। चलो भैया, चलो चलो माँ, मंदिर चलते। हाँ चलो, मंदिर चले। शांति। क्या हो रहा है? ओम शांति। चल तू यहाँ से, चल चल यहाँ से, चल झगड़ा मत कर, चल। हजार बार इसको बोला है, ठंडे दिमाग से काम लिया कर, सुनता कहाँ है ये? चल अभी सीधा हॉस्पिटल चल। खाने को बोलना, खाइए ना दादाजी, माँ ने सारी चीजें आपकी पसंद की बनाई है। ए, पूछना जरा, खाना अच्छा नहीं बना क्या? खाना तो अच्छा है बहू, पर हम ही अच्छे नहीं रह गए। आप ही उदास और चुपचाप रहना छोड़ दीजिए। हाँ दादाजी, मरना तो एक दिन सबको है, हमको भी आपको भी, लेकिन कब मरना है ये कोई नहीं बता सकता। डॉक्टर भी नहीं। राइट। मेरा डैडी है ना, वो बहुत ज्यादा दारू पीता था, जिससे उनका किडनी खराब हो गया। डॉक्टर ने उनसे कहा वो अब कुछ ही दिन बचेगा। उस बात को हुए करीब आज 6 साल हो गया, लेकिन मेरा डैडी आज भी जिंदा है, और वो डॉक्टर एक्सीडेंट में 4 महीने बाद ही गुजर गया। अच्छा। हाँ, और उस दिन मेरा डैडी कसक के दारू पिया। अरे ससुरा, बहुत 30 मार का समझता था अपने आप को। और दादाजी, गांव में तो हम लोग ऐसे ही हंसते नाचते गाते रहते थे।
बहुत ही मजा आया। आजकल तू बहुत होशियार हो गई है। अरे पहलवान, अरे आओ आओ आओ। प्रणाम दादाजी। जीते रहो। प्रणाम। अरे देवा अभी तक दवाई लेकर लौटा नहीं, तुम्हें ही ने ले जाकर चिड़ियाघर दिखा दो। हाँ जी। अरे ये अपने बेटे जैसा ही है जी। मैं तो नहीं जाऊंगी। चलो ना माँ, घूम आते हैं। अरे अरे जाओ ना बहू, गंगा का मन रख लो। हाँ माँ जी चलिए, बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत पसंद आएगी, हम बता रहे हैं। कितना खुला खुला हरियाली, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ना माँ। अरे चुप बैठ। हाँ देखो ना माँ, यहाँ कितनी सुंदर चिड़िया हैं। तुम भी चलो ना माँ मेरे साथ। चलो मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं बैठती हूँ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे हाँ बेटा जाओ। हाँ सुनो। हाँ। ज्यादा दूर मत जाना, जल्दी लौट आना। ठीक है। अरे हमने तो सोचा था बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे, मगर वो तो मर चुकी है। हम बता रहे हैं, जिंदा आदमी को जला दो, उस पर बम फोड़ दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हॉले से निकल लेगा। लेकिन मुर्दे को ऐसे नहीं जलाने देंगे, मौत का सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट। तो चले ले लेते हैं। अरे सरकारी अफसर ऐसे नहीं देंगे भाई। फिर शरीर का पोस्टमार्टम करेंगे, चीरफाड़। हे भगवान, मरने के बाद भी चैन नहीं। और जब ये पता चलेगा ना कि वो कैसे मरी है, तो पुलिस केस होगा। तुम देखना, हम बता रहे हैं, सुबह की चाय के साथ सारा कलकत्ता ही खबर चुस्कियों के साथ पड़ेगा, हम बता रहे हैं। फिर गंगा के साथ जो कुछ हुआ वो कहानी हमेशा के लिए रह जाएगी। ये तो सबसे बड़ा बलात्कार है।
मरने के बाद ये दुनिया मुर्दे की आंखें तो बंद कर देती है, लेकिन ये दुनिया अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर लेती ताकि कोई इज्जत से मर सके? समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं, क्या करूं? ई सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा, वरना गंगा की अंतिम क्रिया नहीं हो पाएगी। फिर तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। कभी शांति नहीं मिलेगी। ओरी बाबा रे, क्या मुसीबत है, भयंकर तूफान। डेथ सर्टिफिकेट लेने आए हो? स्टाइल तो ऐसा मार रहे हो जैसे सर्टिफिकेट देने आए हो। किसके लिए चाहिए? मरने वाला का नाम बताओ। गंगा। गंगा कब मरी? कल। क्या बीमारी थी उसको? बीमार वो नहीं थी। तो मरी कैसे? दूसरे बीमार थे। दूसरे बीमार थे और मर गई ये? सोच लो, तुम्हें कहीं पागल खाने तो नहीं जाना था जो गलती से यहां चले आए? अगर पागल के हाथों में पत्थर हो तो सर किसका फटता है? जाहिर है सामने वाले का। ओ समझा, क्या हुआ था उसे? रेप। रेप? इंटरेस्टिंग। सॉरी, ये तो पुलिस केस है, डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। क्या इसके बिना आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस आ गई तो वो रेप करने वाले का नाम पूछेगी। तो बता देना क्या नाम है उसका? पगला जान। पगला जान? हाँ वही। जब उसे मालूम होगा कि पुलिस के सामने मैंने उसका नाम लिया है तो वो जरूर मुझसे मिलेगा। तुझे मार डालेगा। काट डालेगा? नहीं काटेगा। मैं तो फौरन उससे कह दूंगा कि पुलिस के सामने मैं उसका नाम नहीं ले रहा था, मैं तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाह रहा था। लेकिन आपकी वजह से, मैं मजबूर हो गया। नहीं, मैं आपका नाम ले लूंगा। मेरा? क्या नाम है आपका? अमर सिंह। मैं तो अपने नाम भी बोल गया, अब पगला जान मुझे जरूर खत्म कर देगा। ठीक है, तुम मुझे चाय पानी के लिए कुछ दे दो, मैं किसी को नहीं बुलाता, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा। शादी के लिए इसे जमा किया, शादी के दिन ही इसे तोड़ूंगी। तो और कुछ पूछना है? राम नाम सच्चे है, राम नाम सच्चे है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, राम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। देवा,
तो गांव चला जा। तेरे पिताजी तो है नहीं, दादाजी का भी कोई भरोसा नहीं, मेरे लिए तो तुम ही एक बच्चे हो। मैं नहीं चाहती कि शहर तुम्हें निकल जाए। देखो तुम यहां से सीधे स्टेशन चले जाओ। हाँ बेटे जा, बेटे जा, निकल जा। माजी, आप कहे तो हम देवा भैया को अपनी रिक्शा में स्टेशन छोड़ा है। हाँ माजी, बोलिए बोलिए माजी। हाँ माजी, बोलिए माजी। नहीं, हम छोड़ा नहीं है माजी। हाँ माजी, बोलिए माजी। आप बोलिए माजी। नहीं, आंसू की बूंद को अकेले बहने दो, वरना कभी कभी वो अंगारे बन जाते हैं। उसे अकेले ही जाने दो। मालूम नहीं मुझको अंजाम सफर क्या है, क्या श्रद्धा है, ये इश्क ही कुर्बानी, ये इश्क कहीं शोला, ये इश्क कहीं पानी, ये इश्क ही श्रद्धा है, ये इश्क ही कुर्बानी, ये इश्क कहीं शोला, ये इश्क कहीं पानी, ये इश्क कहीं पानी, ये इश्क कहीं पानी। पानी रे सारे 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 इश्क का रोग बड़ा मीठा 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 सारे लगता है वहां कोई लड़की है। आजकल तो तुम बहुत शिकार कर रहे हो, कल तो चिड़ियाघर में भी शिकार किया। कौन है, चेहरा दिखा। अरे ये ससुरा तो लड़का है। अरे साला जोकर लगता है। छोड़ यार, चल यहां से। हाँ हाँ चल चल।
आजकल तो तुम बहुत शिकार कर रहे हो, कर रहे हो। कल तो चिड़ियाघर में भी शिकार किया। माजी, माजी भवरलाल का मर्डर हो गया है। अच्छा ही वो माजी, वो पगला जान का खास आदमी था। हाँ माजी, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग घर चलते। चल जवाब दूंगा। भवरलाल की डेड बॉडी जीप में रखी है। स्ट्रेचर के लिए बोल दो। नहीं, वो बॉडी स्टेशन में लाने के लायक नहीं है। सर, यस। भवरलाल के मर्डर के बारे में लोगों के इतने फोन आ रहे कि पूछे मत। सबको एक एक पीस बांट दूंगा। बाबा रे बाबा, ऐसा भयानक मर्डर मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसको जिसने भी मारा होगा वो आदमी नहीं होगा, वो राक्षस है। देवा, तू तो अच्छा, इसी खून के लिए तूने मेरे आंसुओं की इज्जत नहीं की। जाना हाले, खून तेरी गर्दन पर भी है।
माँ। देवा अभी भी समय है, तू गांव लौट जा। देवा देवा जवाब दे, मेरी तरफ देख और जवाब दे, और कितने खून करेगा? कभी ये भी सोचा है? पगला जान के सैकड़ों आदमी हैं, कितनों को मारेगा तू? फिर एक ना एक दिन वो तुम्हें मार डालेंगे या फिर पुलिस गोली मार देगी। फिर मैं रह जाऊंगी छाती पीट पीट कर रोने के लिए, जीने के लिए। तू तो यही चाहता है ना, यही चाहता है ना तू, कि अपने पति और बेटी के बाद अपने बेटे की तस्वीर पर भी फूलों की माला चढ़ाऊं? यही चाहता है ना तू? अगर यही चाहता है तू तो देख, मैं तेरी यही इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। अपने बेटे की तस्वीर पर भी फूलों की माला चढ़ाती हूँ। देख तेरी आंखों सामने तेरे ही तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाती हूँ। तुमने तो फूलों की माला भी चढ़ा दी और दुख भी सह लिया, तो अब मैं मौत से क्यों डरूं? देवा, 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 कहाँ जा रही? देवा, देवा, मेरे पास, देवा, देवा। मर गया देवा। बोल, इसका क्या सबूत है कि देवा मर गया है?
देवा जरूर मर गया है सर। ये तुम कैसे कह सकते हो? कोई भी माँ अपने बेटे की तस्वीर पर जीते जी माला नहीं चढ़ा सकती है। हाँ सर, ये ठीक कह रहा है, देवा जरूर मर गया है। बहू, तुमने अचानक गांव जाने का फैसला कैसे कर लिया? और फिर देवा और गंगा कहाँ है? जी, मैंने उनको गांव भेज दिया। क्यों? लड़के वालों का संदेश आया था कि लड़का छुट्टी पर आया हुआ है और वो गंगा को देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए तुमने उनको गांव भेज दिया। वाह, बहुत अच्छा किया भाई। जीवन मरण का कोई भरोसा नहीं, सब काम जल्दी हो जाना चाहिए। लड़के ने गंगा को देखा? हाँ, और अब जिद कर रहे कि जल्दी शादी हो जाए। मैंने भी हाँ कह दिया। ये बहुत अच्छा किया कि खुद फैसला ले लिया। अब देखना हम गंगा को कैसे धूमधाम और गाजे बाजे के साथ विदा करते हैं। अरे दुनिया देखती रह जाएगी। गंगा की शादी पूर्णिमा के दिन है ना, तब तक तो हम गांव के वैद्य की दवाओं से काम चला लेंगे। और अगर मौत सुसरी भी सामने आ जाए तो कह देंगे पूर्णिमा तक रुक जा, गंगा की शादी है। अरे पहलवान हम आ गए। अरे चलो पहलवान। अरे खुश रहो, चलो स्टेशन ले चलो। अरे पहलवान, तुम हमारे साथ गांव क्यों नहीं चलते? अरे चलो, बहुत मजा आएगा। अरे बोलते काहे को नहीं? लगता है मुंह में बहुत खैनी भर ली है, तभी नहीं जवाब दे रहे हैं। इतनी भयानक रात में कोई रिक्शा निकालने को तैयार नहीं था। ये तो अच्छा हुआ पहलवान मिल गया, वरना हम गांव नहीं पहुंच पाते। लगता है इस पहलवान से अपना कोई पुराना रिश्ता है। अरे पहलवान कहाँ चला गया? ये ससुरी खाने की आदत बहुत बुरी है। आओ आओ, जरा सोच ले बहू, कोई अपनी प्यारी चीज यहाँ पीछे तो नहीं छोड़े जा रही है। वो लोग आ गए। लाइए दादाजी, मैं ले चलता हूँ। बबुआ, सिक्योरिटी ऑफिसर अशोक जो गांव छुट्टी पर गया था, वो ससुरा आ गया है। पूजा, अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। अगर तुम चाहो तो मुझे गुंडा और हत्यारा कहकर तुम मुझसे दूर जा सकती हो। कृष्ण को तो सभी छोड़ कहते थे, लेकिन राधा ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा।
देख रहा था, फिर बोका चोदा बार बार चिल्ला क्यों रहा है? अरे छोड़ो ना, उसे चिल्लाने दो। अरे नहीं, शेर को अगर कुछ हो गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें बुझते पारी ना। अबे कौन है बे तू? पूछा था ना मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसकी बहन को तुम लोगों ने इसी जगह मारा था। आज तेरी बारी है। मौत से बड़ी कोई सजा है नहीं, और मौत से छोटी कोई सजा मैं तुझे दे नहीं सकता। ये रहा तेरा डेथ सर्टिफिकेट। Nein! Nein!
राम राम मालिक। अरे राम राम दनिया। अरे ये बत्ती का क्या हुआ? लाइट तो शाम से ही नहीं मालिक, दो चार घंटे के लिए आती है चली जाती है। तब तो शादी में बहुत समस्या हो जाएगी ससुरिये। हाय राम, अब क्या होगा? देवा, अरे गंगा, अरे कहाँ गायब हो गए भैया? अरे देवा, 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 देवा! रोक रोक यहाँ पे, रोक बोला ना। अब साला मार कर ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। भवनलाल और अशोक, तीन दिन में हमारे दो लोग मारे गए। हाँ उस्ताद, पुलिस की गाड़ी भी घूम रही है। सरकारी आदमी मारा गया ना, इसलिए पुलिस वाले को ज्यादा खुजली आई है। करना है उस साले को जो करना है वो, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेगा। फटाक केस्टो इस बार फाड़ कर ही रखेगा। बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। देवा को शहर में अकेले छोड़ दिया, मुझे भी अपने साथ ले आई। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। पहले तो मैं उसे यहां अकेला ही भेज रही थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। गंगा के मरने का दर्द तो मुझे भी है, लेकिन वो तो जैसे पागल हो गया। बहू, तुमने सिर्फ गंगा की लाश देखी है, इसलिए दर्द की परछाइयां महसूस कर सकती हो। असली दर्द तो वही जानता है जिसने लाश कंधे पर उठाई हो। उसे पागल तो हो ही जाना था। वहां अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो मोम का पुतला नहीं, किसान का बेटा है, मिट्टी का बेटा। मिट्टी मोम की तरह जल तो सकती है, लेकिन पिघल नहीं सकती। याद है, यही बातें कभी आप देवा के पिताजी के लिए कहा करते थे। मगर क्या हुआ, जुर्म के खिलाफ लड़ते हुए वो मारे गए। मारा गया सो मारा गया। वो जिंदगी जो सर को झुका दे, उससे वो मौत अच्छी जिससे सर हमेशा के लिए उठा रह जाए। बहू, हम अभी शहर जाएंगे। नहीं, आप मत जाइए। अगर आप यहां रहेंगे तो देवा शायद वापस आ जाए। वो अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आंख से निकला हुआ आंसू कभी आंख में वापस नहीं आता। रुकिए, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले मैं यहां आई तो गंगा के पिता की लाश पर रोई, फिर गंगा की लाश पर। अब अगर आपको और देवा को कुछ हो गया तो बताइए, क्या सिर्फ लाशों पर रोने के लिए आप मुझे आबाहू बना कर ले आए थे? बताइए। एक बात कहूं बहू, हो सकता है तुम एक दिन इस हवेली में अकेली जिंदा रह जाओ, पर इस बात की पूरी गारंटी है कि तुम जिंदगी से कभी शर्मिंदा नहीं होगी। बताओ, अरे तुहार तो गोली लगी है, ये सब खून बह रहा है। तू चल यहां से, चल। तुहार जान बहुत कीमती है भाई हमारे लिए, तू चल यहां से, चल चल। हम तुम्हारे वास्ते कुछ भी करने को तैयार है, चल चल। बाबू बैठ, आजा आजा, अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है भाई। अबे रोक यहां पे। अबे चल जल्दी, वो अभी अभी भाग आया।
पीछे ले, पीछे ले। इधर से कैसे निकलेगी गाड़ी? तेरे को दोनों तरफ गाड़ियां हैं, पीछे लाओ, चल चल ले। कहां फंसा दिया साला तू? गड्ढे में। चलो उधर तुम लोग भागो और जाके मारो उसको। मारो, पूरी तरह मार देना साले को। चल तू भी उधर, तेरा भी काम नहीं है साला। শুধুমাত্র সেই লোক এটা হত্যা নয়, তার সাথে সমাজে আরো অনেক লোকের মৃত্যু জুড়িয়ে যায়। মানে আপ লোকো বিশ্বাস দিলাতা হুম কি ইন সারি হত্যাও কা জিম্মেদার জাদা দিন তক কানুন সে বচনে নহীঁ সকতা। क्या है साहब? साहब हमारे आदमी को गोली लगी हुई है, देखो वहां रिक्शा में बैठा हुआ है साहब। देखो उसे दवा दारू की जरूरत है साहब। गो टू द हॉस्पिटल। साहब हमारी बात तो सुनो साहब। हु इज देयर टॉम? साहब हमारी बात तो सुनो। रिक्शा वाला विद द पेशेंट। साहब फॉरगेट इट। ओ नो, रिक्शा वाला। ओ माय गॉड, कम ऑन, कम ऑन डार्लिंग, लीव मी आउच। प्लीज डोंट स्पॉइल माय मूड। Patient is much more important than your mood. Let him wait for a while. No, patient can't wait. I also Stop can't it. Wait. No, no. Yeah. Leave me. Yes. Go Come away. Come on. Now listen. Love is not duty, but duty is love for me. Okay? Oh my God. दरवाजा खोलो। मरी क्या हुआ? देखो देखो देवा की जल्दी तुझे। जल्दी जल्दी उठा उठा उठा। हेलो 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 पुलिस स्टेशन। फोन रख, फोन रख। पेशाब घर में जाके सो जा। गो गो बाथरूम जा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर घोषाल का फोन है। अगला जान इंस्पेक्टर घोषाल। पता चला सिक्योरिटी ऑफिसर को किसने मारा? हाँ, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसे? वो ऑलरेडी गिरफ्तार है। कहाँ? यहाँ के चिड़ियाघर में। उसको शेर ने मारा है और वो पिंजरे में बंद है। तुम साला मेरा फेंका हुआ हड्डी तो खाता है लेकिन काम ठीक से नहीं करता। अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो हड्डी गले में फंस जाएगी और तेरी सांस टूट जाएगी। सुनो, भूल जाओ शेर के बारे में, उसे जरूर किसी आदमी ने मारा है, ढूंढो उसे। जब सबूत ही नहीं मिला तब हम क्या कर सकते हैं? साला कानून सिखाता है मुझे। सबूत है क्यों नहीं,
सबूत तो है। क्या सबूत है सर? ये रहा सबूत, अशोक की मौत का सर्टिफिकेट जो शेर के पिंजरे के अंदर मिला। शेर ने तो कलम से इस पे अशोक का नाम नहीं लिखा होगा। और हाँ, ऐसा ही एक सर्टिफिकेट भंवरलाल की डेड बॉडी के पास भी मिला है। इसलिए सबूत तो है, लेकिन काहे को बोलने का? अगर फ्री में कचरा साफ होता है तो होने दे। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये हाल मैंने? इसका जवाब वक्त के पास है। सिर्फ कुछ ही दिनों में ये क्या से क्या हो गया देवा? ऐसा क्यों? इसका जवाब तकदीर के पास है। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा देवा, कब तक? पगला जान की मौत तक। क्या तुम ये सब कुछ देर के लिए भूल नहीं सकते? नहीं, मेरी जिंदगी में जो अंधेरा छा गया है वो तुम्हारी मोहब्बत से भी दूर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम क्या जानो कि मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। राक्षस की गर्दन है, लेकिन यहाँ राक्षस के पांव कैसे सब है? जानती है तेरी पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अपने भक्तों के लिए तू माँ है और पापियों के लिए मौत है। लेकिन इस पापी का तू कब सर्वनाश करेगी? इसकी मौत कब आएगी माँ? समय का फैसला हो चुका है। आज की बलि मैं चढ़ाऊंगा। ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो योनः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। गुरुदेव
बड़ी बुरी खबर है यार। बाद में सुनाना, गांव चिट्ठी लिख रहा हूँ। अरे गांव चिट्ठी लिख रहा है? क्या लिख रहा है यार? इस बार हम लोग एक साथ होली में घर जाएंगे। अरे वाह यार, और ये भी लिख दे कि इस बार हम गांव आए ना तो यहाँ वापस नहीं आने वाले। हाँ यार, ये खबर माँ सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी वो तो। अरे हाँ यार, लिख दे यार। क्या हुआ यार? लगता है स्याही खत्म हो गई। देवा कहाँ है? वरना मौत। भागकर जाओ। अरे तुम, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हें तो बुखार है और तुम ऐसे अकेले घूम रहे हो? तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? कस्मा, सब कहाँ है? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बोलो तो कस्मा, क्या हुआ? आ, 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 आ,
देवा। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। ये चींटी इसके लिए मरना चाहता है। क्या रिश्ता है इनका? ये देवा का गांव वाला है, उसका दोस्त, और ये उसकी होने वाली जोरू है। ओ, तो ये तुम्हारी भाभी माँ है। माँ, महान रिश्ता है। अब ये बालक अपनी माँ के कपड़े उतारेगा। नहीं, उतार। अबे भागता कहाँ है साले? चल, चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो। खोल, कपड़े खोल। नहीं, नहीं, खोल। नहीं, खोल। उस दिन हम बलि नहीं चढ़ा पाए थे और पूज गुरुजी मारे गए, लेकिन आज मैसी गुरुजी के चरणों में इसकी बलि चढ़ाऊंगा। बलि के लिए तैयार करो इसे। हो गया रे कस्मा, तेरी आवाज आ रही है रे। तेरी बड़ी आरजू थी ना आसान देने की, आरजू पूरी कर ले। आसान दे, आसान दे बाबा, आसान दे बाबा, आसान दे दे। करेगी दुनिया कितनी बार
अब तक दिल का खून पिएगी ये जहरीली रात। अंधी बहरी है दीवारें यूं ना टूटेंगी, लोहे जैसा दिल ले आओ पत्थर जैसे हाथ। मौजों की तरह तड़पा साहिल की तरफ ले चल। क्या हुआ? ये कहाँ बेस बना ली हो? दादाजी, दादाजी, दादाजी वो साला पगला जान साला इसकी बलि चढ़ा रहा था। कहा? हाँ दादाजी, वो तो अच्छा हुआ देवा भैया ने इनकी जान बचा ली, वरना वरना इसको इसको मोहब्बत की जगह मौत मिलती, मौत। हाँ दादाजी मौत। बेटी घबरा मत, Yeah!
तू मेरी गंगा का दोषी है, इसलिए मैं तुझे गंगा में मारूंगा। खून फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। किसी भी इंसान का हम बन सकते नहीं।